योगी सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर जनता को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने सभी लोगों के लिए गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम करने का ऐलान किया है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सभी उपभोक्ताओं के लिए गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम किए जाएंगे। मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह भी बताया कि ओणम और रक्षाबंधन के त्योहार पर 200 रुपए सिलेंडर के दाम कम किए जाने का फैसला लिया गया है। इसका लाभ देश के सभी लोगों को मिलेगा। और आज जब ओणम और रक्षाबंधन का त्योहार है तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एक बार देश की लाखों बहनों के लिए फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा तोहफा दिया है कि 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत उनको गैस कनेक्शन मिलेंगे। उनको एक रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, गैस कनेक्शन भी मुफ्त मिलेंगे, पहला सिलेंडर भी, पाइप भी, चूल्हा भी। ये देखिए बहुत बड़ी एक सुविधा मिलती है। मंत्री अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि लाखों बहनों के लिए पीएम मोदी ने ये तोहफा दिया है। इसके साथ ही 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना के तहत उनको फ्री गैस कनेक्शन भी सरकार देगी। एक रुपए भी खर्च नहीं करना होगा, पाइप, चूल्हा और सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि दुनिया भर में गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन भारत में इसका असर उतना नहीं पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पहले से ही 200 रुपए की सब्सिडी सरकार दे रही है, जबकि आज से 200 रुपए की अलग से सब्सिडी का लाभ मिलेगा। यानी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब 400 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। घरों में यूज होती है उन सभी उपभोक्ताओं के लिए दाम 200 रुपए कम कर दिए गए हैं। उज्ज्वला गैस के जो लाभार्थी हैं उज्ज्वला योजना के, उनको भी 200 रुपए ये जो कम हुए उसका भी लाभ मिलेगा। सरकार के इस ऐलान को 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार ने गरीब और महिला वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए ये ऐलान किया है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि भाजपा सरकार को उसके इस फैसले का कितना लाभ मिलता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।